हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका टी ए ब्लॉगिंग में। तो कैसे आप सब, होप करते हो सब बढ़िया होंगे। यार आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, एंड ये देखो ये टूट गया और इसका थोड़ा बहुत यहाँ से क्रैक हुआ। जैसे पिछली वीडियो में आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो नहीं देखी तो जाके देखो, तो थोड़ा बहुत छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे पेन अभी भी है हाथों में, कमर में, तो अभी पूरी गंदी हुई पड़ी है। कभी कभार हो जाता है ना यार, एक बार कुछ हो जाए तो फिर वो करने का थोड़े दिन मन नहीं करता, वैसे ही मेरे साथ हो जा रहा है। ये देखो होल्डर था गंदा, हो पड़ा, तो मैं गंदा रखता ही नहीं बाइक। ठीक है, अभी चलते फटाफट यार, वहाँ शोरूम जाऊँगा पहले मैं, फिर ये ढीला हुआ पड़ा, सब ढीला हुआ पड़ा यार। ये मैंने कुछ नहीं करवाया, राहुल भाई की शॉप तक नहीं गया, मैं 2 दिन से घर ही पड़ा हूँ सही बताऊँ तो। तो चलते हैं फटाफट, फिर प्यार प्यार से बाइक चला जाता हूँ, बिकॉज उसमें गलती मेरी भी थी, मैं थोड़ा बहुत तेज भी था इसलिए, और मैं ऐसी स्पीड पे चला रहा हूँ कल परसों जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है इंश्योरेंस का, क्योंकि अगले महीने इसका सारा क्लेम खत्म हो जाएगा अभी। तो इसे पहले करवा लेते हैं, और शीशा भी टूट गया मेरा लेफ्ट वाला, तो मैं सोच रहा हूँ वही वाला इंस्टॉल करवा लूँ दोबारा, बिकॉज मेरे को डेली ब्लॉग्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मैं रेस्ट लूँगा अच्छा सा दिवस से, फिर उसके बाद अपने दोबारा वापस आएंगे अच्छे से। ऐसे ही चला रहा हूँ मैं, तुम्हें सही बताऊँ तो मैं तेज वेज चला ही नहीं था, इतना डर के बाइक मैंने कभी नहीं चलाई जितने मैं आज डर के चला रहा हूँ। डर बैठ गया कि भाई मैंने क्लाइमेक्स मेरे सामने हुआ था, अब भी भाई सेफ चलाओ, क्योंकि मैं बोलता तो हूँ कि मैं तेज ना चलाया करूँ, जब होता है तभी बंदे को अकल आती है, जब कुछ होता है वही होगा मेरे साथ। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो यार, 1.8K की आपको दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन। जो नया आया अभी सब्सक्राइब करो, 1.9K 2K 100K भी करने, 10K भी करने, 100K पहुँच गया मैं, पहले 10K फिर 100K, जाओ करो सब्सक्राइब 12:30 होते हुए। एंड ये वाला पूरा इसका ढीला हुआ पड़ा है, ये फ्री हो गया है, मतलब फ्री तो नहीं, मतलब ऐसे करोगे ऐसे चला जाएगा, ऐसे करोगे ऐसे चला जाएगा। एंड लेट्स सी अब क्या कहते हैं वो जाके, कि भाई रखेंगे बाइक को आई थिंक, या मुझे दे देंगे लौटा देंगे वापस। अच्छी बात है 2-3 दिन नहीं होगी ना, आराम से चलाने की टेंशन भी नहीं है ना कुछ। तो एक फनी बात बताता हूँ आपको, मेरे साथ क्या हुआ, मतलब राघव है ना जो दोस्त मेरा, वो भी बोल रहा था यार, उसको अवनीत ने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो उसका मैसेज कल फ़ोन आया, कह रहा हाँ भाई कहाँ फैल गया, तो मैंने कहा पीतमपुरा भाई रोड पे, कह रहा परसों में अभी फैला था यार, कहाँ फैला था तू वही वजह रहा था, कह रहा मेरे कूनी पे लगी है, मैं मेरे से पूछ रहा तेरे कहाँ लगी है, मैं कह मेरे हाथों में लगी है अंदर ही। अच्छा, कह रहा चल ठीक है भाई साहब, कह रहा कहाँ फैल गया तू, मैं भी फैला था वही फैला था, कह रहा मैं भी मैं कहा ये सही है भाई। लेट्स सी कि क्या कहते हैं, इंडिकेटर है भाई, इंडिकेटर तेरे पे 12-15 लाख रुपए लगा के इंडिकेटर दे देते सारे भाई। बाइक वाइक तो चलो मानते हैं लेफ्ट में होती है तो निकल जाती है, गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी कैसे निकलेगी भाई बिना बंदा, तो मैं तो निकाल लेता अभी सीधा। बस पहुंचने वाला हूं मैं, सर्विस रोड पे आ गया, लेफ्ट साइड पे ही है, यहाँ पे जो सारे शोरूम है जा सर, पहली बार ही में शोरूम मिल गया ये देखो। तो लो अंकल अंदर जाके बात करते हैं, बड़े प्यार प्यार से लेके आया आज मैं सर, यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा वैसे आने का, कह रहे हैं कि वहीं पे होगा सर्विस स्टेशन। हाँ मुझे मालूम था कि होगा तो सर्विस स्टेशन ही, पर मैं ऐसे कंफर्म करने गया था कि यहाँ से कोई कुछ कहते हैं या नहीं, मतलब चलो फिर वहीं चलते हैं सर्विस स्टेशन। भगवाने तक का थ्रोटल देने का मन नहीं कर रहा मेरा, और मैं कैसे आगे बढ़ूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा, पाला सी जिंदगी में भरा पड़ा। बस मुझे ये है कि मेरी बाइक तो रख लेंगे, फिर मैं डेली व्लॉग्स कंप्लीट कैसे करूँगा। हाँ अंकल जी का टायर पंचर हुआ पड़ा यार, बस स्कूटी पे आएंगे वो लोग, बस देखना आप स्कूटी पे गेड़ियाँ मारेंगे हम जाके। मैं ऐसे ही बैठा था, एंड देन सीधा ठोका मैं जाके, और मेरे हाथों पे प्रेशर आया बहुत तेज, मेरी कमर मेरे हाथ, मेरे को उस टाइम तो पता नहीं लगा, अगले दिन भी पता नहीं लगा, 24 घंटे बाद असर हुआ मुझे। मैंने नंबर प्लेट लगवा रखी थी ना, देखो वैसे लगवा रखी है मरगढ़ के नीचे कटवा के, वो बोल रहे थे कि मरगढ़ काट देता थोड़ा सा, मैं कहा नहीं भाई रहने दो, मरगढ़ की डंडी काट देता हूँ वहाँ लगा दूँगा नंबर प्लेट, मैं कहा रहने दो कोई दिक्कत नहीं। देखो बस में से ऐसे निकल जाते हैं ना, देखो नवंबर का महीना था मनहूस निकला, विमल का भी एक्सीडेंट हो गया, मेरा भी, राघव का भी, एक दो बंदे हो रहे हैं, मैंने सुना है कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया भाई। नवंबर में मैं राइड ही नहीं करने वाला आज के बाद, सुन लो मनहूस है नवंबर, मतलब मेरे लिए तो सच्ची पहले से मनहूस था वो, और मनहूस हो गया है, बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही। बट तो मैं पहुँच चुका हूँ, इंश्योरेंस अंकल एक्सीडेंट हो गया था पीछे है, भारती नाम का आदमी होगा ना, उसने बात करी।
ज़रूरी है, इसको छोड़े मत जाना, बस ग्रह चल रहे हैं गिर ना जाए। तो इन्होंने बता दिया क्या क्या प्रोसेस लगेगा, फिर आपका चेंज हो जाएगा कह रहे हैं, आपको अच्छे से बताते हैं कि क्या क्या लगेगा। वो आगे पीछे नहीं हो रही गाड़ी मेरे साथ, लोड्स ऑफ बाइक्स ही है। हो गई बात, इंश्योरेंस के लिए बोलना था ना। ओके सर, थैंक यू। तो इन्होंने ये बोला है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, RC, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल, चेक आप ले आओ मेरे फोटोकॉपी, तो मैं आपको इसका इंश्योरेंस क्लेम मेरा कार्ड मंगवा दूंगा, फिर जब आ जाएगा आप लगवा जाना। बाकी कह रहे हैं जितने पैसे मतलब आपका लगेंगे आपको पूरे पे करने पड़ेंगे यहाँ पे, उसके बाद 90% आपको वापस मिल जाएगा, आप अकाउंट में आ जाएंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल आऊँगा। यार भाई साहब क्या लग रही है भाई, चलो यहाँ शीशा शीशे है ना, तो खुद को देखते हैं तो अच्छा लगता है भाई, ऐसे पूरा फील आती है, बिल्कुल लुक आती है बैठने वाली। ये देखो तो मैं देख नहीं रहा होगा, आगे भी देखना भाई। यार यहाँ भी एक रेड लाइट होनी चाहिए, हर बार ये पंगा है यहाँ का। अभी पूरी इतनी भीड़ हो जाएगी, ये चलेंगे तो वो भी चलेंगे, भीड़ जाएंगे भाई साहब, लेकिन रुकेंगे नहीं है, स्क्रैच खा लेंगे गाड़ी पे। देखा देखा देखा, यही होता है इधर से एकदम से। उस दिन गाड़ी निकली थी, इतनी तेज गाड़ी निकली, बेचारा ऐसा कोई निकलता ना उस टाइम तो उसके पक्का बहुत ज़्यादा लगती। फिर चलते घर पे, वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठा करते, एक फॉर्म दिया उन्होंने, वो भरना भी। आंटी की लग गई शायद, आंटी के छुटने पे लग गया जी। सही है ना, मुझे कमेंट में बताओ ये स्पीड बेटर है ना, एक ट्रैफिक में भी नहीं, मतलब नॉर्मल रोड पे कोई जाते चलाएंगे ना भाई, नुकसान अपना ही है और सामने वाले की, जिसमें घुसेंगे उसका क्या फ़ायदा, ऐसे किसी का नुकसान भी हो रहा है यार, और बाइक चलाने को बंद हो जाएगी मिलने, क्या फ़ायदा। तो हाँ मेरे घर वाले, और हो गया ना एक बार कि नहीं चलानी बाइक, तो भाई कितना मर्जी दौड़ लगा लूँ मैं, मेरे को बाइक नहीं मिलने वाली अगर मैं ऐसे वैसे ठुकता रहा तो। इसलिए प्यार से चलानी है मुझे, लॉन्ग राइड्स करनी है, इसलिए मैं अपने को प्रिपेयर करता हूँ कि मैं वैसा बन जाऊँ, लेकिन नहीं बढ़ गया मैं परसों, बस यही होता है। इसलिए अब थोड़ा सा अब अकल आ गई, अब कभी तेज नहीं चलाएंगे भाई। चलो देखते हैं अभी वीडियो का क्या करना है अभी, बाकी वो वाला इंश्योरेंस वाला भी करवा के आते हैं सारा डॉक्यूमेंट। ये वीडियो ना इतनी तक ही रखते हैं, बिकॉज कल से आपको पता लगेगा कि मेरी बाइक में क्या क्या वर्क हो रहा है, मतलब कैसे कैसे जो भी होने वाला है ना, मतलब बाइक ठीक है, उसका हैंडल वगैरह, बाकी जो सब आपको अगली वीडियो में पता लगेगा। बाकी मैंने क्यों पहन रखी है, बिकॉज ये आपको दिखाया जाए ये मेरा छोटा भाई लेके आया था, कह रहा ये देख तो अभी इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं यार, और अगली वीडियो से आपको पता लगेगा मैंने अपनी बाइक में सारा कुछ चेंज करा दिया, स्टॉक करवा दी वापस, एंड बाकी कल मेरे को जाना है सर्विस सेंटर भी जाना है, जो भी होगा आपको आने वाले वीडियो में पता लगेगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना यार, और मिलते किसी ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।